तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस गूगल फोटोज ऐप के अंदर किसी भी वीडियो या फोटो को कैसे छिपा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कई सारे वीडियो और फोटो है, चाहे वो इस लाइब्रेरी के अंदर हो, चाहे सर्च के अंदर हो, या फिर कहीं भी हो, आप अपने वीडियो और फोटो को फोटोज ऐप के अंदर छिपा सकते हैं। छिपाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो फोटोज ऐप है आप देख सकते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करके रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऐप इन्फो, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है अनइंस्टॉल अब्रेस, तो आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो नया वर्जन है वो जाता है और पुराना वर्जन आता है। तो अब यहाँ पे आपको इस ऐप को खोलना है। अब यहाँ पे जो फोटो है और जो वीडियो है वो लोडिंग लेने में थोड़ा समय लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। और जब यहाँ पे फोटो और वीडियो सभी आपके आ जाए उसके बाद दोबारा आपको इस ऐप को खोलना है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। और खोलने के बाद अब यहाँ पे आप इसके अंदर किसी भी वीडियो या फोटो को छिपाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इस वीडियो को छिपाना चाहता हूँ और इन दो फोटो को छिपाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको इस प्रकार से सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद ऊपर आपको ये जो थ्री डॉट दिख दे रहे हैं आप देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है मूव टू लॉक्ड फोल्डर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यदि आप अपने जो फोटो है उसको लॉक फोल्डर के अंदर डालना चाहते हैं, आप अपने जो वीडियो उसको लॉक फोल्डर के अंदर डालना चाहते हैं, तो आपको सेट पर क्लिक करना है। सेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो फिंगरप्रिंट है उसको लगाना है या फिर आपका जो लॉक है उसको लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो मूव का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। और जब आप मूव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी वीडियो या फोटो सिलेक्ट की है वो यहाँ पे लॉक फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। अब यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ये जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद ऊपर यहाँ पे आपको सर्च करना है लॉक्ड फोल्डर। जैसे ही आप लॉक्ड फोल्डर के नाम से सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी लॉक है, चाहे फिंगरप्रिंट है चाहे कोई दूसरा लॉक है, तो वो यहाँ पे आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ये खुल जाता है। अब यहाँ पे अपने लॉक फोल्डर के अंदर जो भी फोटो और वीडियो छुपा है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फिर यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि वापस आपको लॉक फोल्डर से इसको हटाना है तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है मूव, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और मूव पे क्लिक करने के बाद आपको मूव पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके जो भी फोटो और वीडियो पहले जहां भी थे वापस उस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप फोटोज ऐप के अंदर किसी भी वीडियो या फोटो को लॉक फोल्डर के अंदर छिपा सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।